गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई मायसेल्फ डॉक्टर चंद्रशेखर बंगरवार वेलकम्स ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर. दिस लेक्चर विल स्टडी द पल्स एग्जामिनेशन, जिसको हमारी परिभाषा में नाड़ी परीक्षा कहते हैं. तो नाड़ी परीक्षा यानी पल्स एग्जामिनेशन. नाड़ी परीक्षा से हमारे आयुर्वेद शास्त्र में जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वो थोड़े अलग है, और मॉडर्न मेडिकल साइंस में जो कंक्लूजन्स निकाले जाते हैं वो थोड़े अलग है. तो नाड़ी परीक्षा अलग है और पल्स एग्जामिनेशन अलग है. तो हम देखते हैं पल्स एग्जामिनेशन. पल्स एग्जामिनेशन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एग्जामिनेशन है. जब आप कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एग्जामिनेशन किसी पेशेंट में शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको देखना है पल्स एग्जामिनेशन. तो फर्स्ट स्टेप ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम इज पल्स. तो उसको हम आज कैसे करना चाहिए, क्या देखना चाहिए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज पल्स. ये पल्स है क्या? कोई भी चीज को समझने के लिए शुरुआत करनी चाहिए डेफिनेशन से. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पल्स? सो द एक्सपांशन एंड इलोंगेशन ऑफ द आर्टेरियल वॉल्स प्रोड्यूस ड्यू टू द प्रेशर चेंजेस ड्यूरिंग सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल इज कॉल्ड पल्स. तो ये पल्स क्या है? बेसिकली पल्स है एक्सपांशन एंड इलोंगेशन. एक्सपांशन एंड इलोंगेशन ऑफ द आर्टेरियल वॉल. यहाँ पर हमारे शरीर में जो ब्लड वेसल है उसमें आर्टरीज होते हैं. आर्टरी में प्रेशर चेंजेस की वजह से ही पल्स आती है. तो हमारी पल्स यानी आर्टरी. तो हम यहाँ जो आर्टेरियल पल्स देख रहे हो उसमें ये चेक कर रहे हैं कि एक्सपांशन और इलोंगेशन होती है. कब होती है? सिस्टोल यानी कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टोल यानी रिलैक्सेशन. ये प्रेशर चेंजेस कब होती है? सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ द वेंट्रिकल्स. हार्ट के वेंट्रिकल में जो भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है उसकी वजह से जो प्रेशर चेंजेस डेवलप होते हैं उस प्रेशर चेंजेस आर्टेरियल वॉल पर रिफ्लेक्ट होते हैं और उसकी एक्सपेंशन और इलोंगेशन होती है. उसको कहते हैं पल्स. अब पल्स कहां पर दिखनी चाहिए? आप तो अलग अलग जगह पर पल्स देखते हो, लेकिन सबसे आसान तरीका है रेडियल पल्स को देखना. हम रेडियल पल्स को देखते हैं. अलग अलग पल्स अलग अलग कंडीशन में देखी जा सकती है, लेकिन ये रेडियल पल्स देखना बहुत आसान होता है. पेशेंट को आप बैठने के लिए कह सकते हो और आप उसकी रेडियल पल्स चेक कर सकते हो. जब आप रेडियल पल्स चेक कर रहे हो तो पेशेंट कंफर्टेबल रहता है क्योंकि वो सिर बैठा हुआ होता है. ये आसान है, बहुत महत्वपूर्ण है. कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की पहली एग्जामिनेशन है, इसलिए इसको ध्यान से हमें समझ के लेना चाहिए. अलग अलग प्रकार की एग्जामिनेशन अलग अलग सिचुएशन में की जाती है दूसरे आर्टरीज की, जैसा कि कैरोटिड आर्टरीज इन द नेक, ये भी आप चेक कर सकते हो. देन डॉर्सलिस पेडिस इन द फुट, ये भी आप चेक कर सकते हो. आप ब्रैकियल आर्टरी भी चेक कर सकते हो. तो ये भी पल्स आप एग्जामिनेशन चेक कर सकते हो, लेकिन रेडियल पल्स सबसे आसान है, इसलिए उसको किया जाता है रेगुलरली. और कुछ कंडीशन में दूसरे पल्स भी देखे जाएंगे. पेशेंट को दोनों हाथ नहीं है तो आपको यही पल्स देखना पड़ेगा. पेशेंट की सर्जरी चल रही है, पेशेंट लेटा हुआ है, तो एनेस्थेटिक हमेशा
हेड की तरफ, सर की तरफ खड़ा रहता है, तो बार बार बीच में जाके वो डिस्टर्ब नहीं करता कि मुझे पेशेंट की पल्स देखनी है। तो सर के पास खड़ा रह के वो यहाँ से कैरोटिड आर्टरी या ब्राकियल आर्टरी की पल्स भी देख सकता है, कैरोटिड आर्टरी आसानी से देख सकता है। तो ये एक्सेप्शनल कंडीशन है जहाँ पर पल्स दूसरे भी देखे जाते हैं। रेडियल पल्स हमने हमें देखना चाहिए, वो कैसी टेस्ट करनी चाहिए? पहले तो आप सब्जेक्ट को आराम से चेयर पर बिठा दीजिए, पेशेंट जब आराम से बैठेगा, कंफर्टेबल होगा, आप उसकी रेडियल टेस्ट देख सकते हो। उसके लिए पेशेंट के रिस्ट आपको राइट हैंड में पकड़ना है और सेमी प्रोन पोजीशन में पकड़ना है, और अपने दूसरे हाथ की तीन उंगलियां आपको रेडियल आर्टरी पर रखनी है। जब आप ये तीन उंगलियां उसके ऊपर रखेंगे तो अलग अलग चीज आपको वो ये रेडियल पल्स में आपको ढूंढनी है और अलग अलग निष्कर्ष उससे बने हुए रहेंगे। जब ये तीन उंगलियों से आप रेडियल पल्स एग्जामिनेशन करते हो तो सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है हाउ मच इज रेट ऑफ द पल्स, पल्स रेट कितनी है। याद रखिए हार्ट रेट इज इक्वल टू पल्स रेट फिजियोलॉजिकली। तो नॉर्मल यही है कि जितनी पल्स रेट है उतनी हार्ट रेट है। अभी अलग अलग एबनॉर्मल कंडीशन में बहुत बार हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन पल्स तक नहीं पहुंच जाते हैं, लेकिन दैट इज पैथोलॉजिकल कंडीशन, विकृत अवस्था है, अलग अलग व्याधियों का निदान उस पर से होता है। फिजियोलॉजिकली और नॉर्मली पल्स रेट इज इक्वल टू हार्ट रेट, इसको आपको याद रखना है। और नॉर्मल हार्ट रेट होता है 70-80 पर मिनट और 60-90 पर मिनट। अभी 60-90 के बीच में भी नॉर्मल ही होता है। तो आपको रेट देखना है, रेट देखने के लिए कंप्लीट आपने एक मिनट पल्स गिननी चाहिए कि एक मिनट में पल्स रेट कितनी आ रही है। अगर ये एक पल्स रेट 90 से ज्यादा आ रही है तो उसे कहते हैं टैकीकार्डिया। जैसा अगर किसी को बुखार आया तो उसमें भी टैकीकार्डिया हो सकती है। दूसरा, अगर ये पल्स रेट 60 से कम आ रही है तो उस कंडीशन को कहते हैं ब्राडीकार्डिया। उस पर से भी अलग अलग हार्ट डिसीजेस जो स्पेशल जंक्शनल टिश्यू से संबंधित होते हैं उसका निदान होता है। टैकीकार्डिया बुखार में भी होती है, जब फीवर है पेशेंट को तो टैकीकार्डिया होगा, और अलग अलग कंडीशन में भी टैकीकार्डिया हो सकता है। द रेट ऑफ द पल्स मीन्स रेट पर मिनट ऑफ द हार्ट बीट आपका कंक्लूजन होगा। एक मिनट तक पल्स देखनी है, कितनी बार पल्स होती है। दूसरा, आपको देखना है रिदम ऑफ द पल्स। इस रिदम में पल्स बीट जो होते हैं वो नॉर्मल इंटरवल से ही आते हैं, क्योंकि हार्ट बीट्स नॉर्मल रिदम से ही उसका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, वो नॉर्मल है। यानी दो बीट के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है हर डिस्टेंस के बीच में, तो उसको कहते हैं नॉर्मल रिदम ऑफ द पल्स। तो आपको ये कंफर्म करना है कि हार्ट रिदम या पल्स रिदम ये नॉर्मल यानी रेगुलर है या रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है। अगर वो इरेगुलर है तो फिर कुछ कार्डियक डिसीजेस का निष्कर्ष निकल सकता है, या कुछ मेडिसिन होती है जैसे डिगोक्सिन, ये मेडिसिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में यूज कर की जाती है, तो उसकी वजह से भी बहुत बार पल्स इरेगुलर हो जाती है, हार्ट रेट इरेगुलर हो जाता है, हार्ट बीट इरेगुलर हो जाते हैं।
रिदम का मतलब रेगुलर या इरेगुलर। तो पहले हमने देखा पल्स रेट और फिर देखा रिदम। तीसरा है वॉल्यूम ऑफ द पल्स। वॉल्यूम ऑफ द पल्स इसका मतलब है हार्ट के हार्ट बीट में के बाद ब्लड बाहर फेंका जाता है, उसको बोलते कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट का मतलब है हाउ मच ऑफ द ब्लड इज इजेक्टेड आफ्टर एवरी बीट आउट ऑफ राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। हर मिनट में राइट वेंट्रिकल में से कितना ब्लड फेंका जा चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल में से कितना ब्लड फेंका जा चुका है, उसको बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। उसकी वजह से ब्लड वॉल्यूम यहां पर हमें फील कर सकते हैं, इसलिए तीसरा पॉइंट है वॉल्यूम। ये वॉल्यूम कम है या वॉल्यूम ज्यादा है ये आपको देखना है, या वॉल्यूम नॉर्मल है। सो द वॉल्यूम इंडिकेट अमाउंट ऑफ द ब्लड फ्लोइंग ड्यूरिंग एवरी बीट ऑफ द हार्ट एंड पल्स करस्पॉन्ड टू द कार्डिक आउटपुट। तो एक रेडियल आर्टरी की एग्जामिनेशन करते करते आप कार्डिक आउटपुट भी देख रहे हो, उसमें हो सकता है हाई एम्पलीट्यूड हाई वॉल्यूम, लो एम्पलीट्यूड लो वॉल्यूम, यह आपका निष्कर्ष होगा। उसके आधार पर अलग कोई हार्ट की डिसीज है या नहीं इसको आप कंफर्म कर सकते हो। तो ये तीसरी चीज आप पल्स में देखते हो वो है वॉल्यूम ऑफ द पल्स। एक होती है फोर्स। फोर्स का मतलब है या तो पल्स स्ट्रांग है या वीक है, यह आपको देखना है पल्स एग्जामिनेशन में। तो इसके लिए आपको पल्स के ऊपर अपनी मिडिल फिंगर स्टेबल रखनी है, उसको स्टेबल रखने के बाद बाकी दो फिंगर जो है वो भी आपको रेडियल आर्टरी पर रखने हैं। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू ऑब्लिट्रेट पल्स इज फोर्स। पल्स को जानने के लिए आपको कितना फोर्स देना पड़ रहा है उसको कहते हैं फोर्स। ये फोर्स या तो वीक होगा या स्ट्रांग होगा। फिर यहां पर स्ट्रांग पल्स इंडिकेट द डिफरेंट थिंग्स, वीक पल्स इंडिकेट द डिफरेंट थिंग्स। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। अब पांचवा आपको देखना है टेंशन ऑफ द पल्स। तो टेंशन इंडिकेट्स डायस्टोलिक प्रेशर। टेंशन इंडिकेट्स डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। आप जानते हो कि जब आप ब्लड प्रेशर मेजर करते हो तो उसके दो रीडिंग आते हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। आप ये भी जानते हो कि सिस्टोलिक यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोलिक यानी रिलैक्सेशन। इसलिए ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक ज्यादा होती है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन के वक्त प्रेशर ज्यादा होती है, रिलैक्सेशन के वक्त प्रेशर कम होती है इसलिए डायस्टोलिक प्रेशर कम होती है। तो ये जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है उसका अनुमान आप टेंशन एग्जामिनेशन के ऊपर से कर सकते हो, टेंशन एग्जामिनेशन ऑफ रेडियल पल्स। उसके लिए आपको ये फिंगर जो है वो आपको यहां पर पल्स के ऊपर रखना है एंड देन ऑब्लिटरेट द पल्स बाय प्रेसिंग मिडिल फिंगर। उसको आप क्लोज करने की कोशिश करिए, ये दो फिंगर हैं इसको रखा आपने और दूसरी मिडिल फिंगर से आप इतना जोर से दबाइए कि वो पल्स बंद हो जाए, उसको पल्स कोलैप्स हो गई बोलते हैं। क्यों हो गई है? क्योंकि आपने उंगली दबाई है उसके ऊपर, पल्स बंद हो गई है, उसी को कहते हैं टेंशन। तो इसमें अमाउंट ऑफ प्रेशर कितना लगता है, कितना प्रेशर आपको देखना पड़ता है, उसके अंदाज से आप ये डिसाइड कर सकते हो कि टेंशन ऑफ पल्स कितना है। तो टेंशन ऑफ पल्स देखने के लिए तीन उंगलियां रख के मिडिल फिंगर से आपको प्रेशर देखें, आर्टरीज को बंद करने की कोशिश करनी चाहिए जहां पर आपको
पल्स फील हो रही है, आप जोर से दबाएंगे तो वो बंद हो जाएगी, और वो बंद करने के लिए आपको कितना प्रेशर लगता है? ज्यादा प्रेशर लगता है हाई टेंशन, कम प्रेशर लगता है लो टेंशन। इसके ऊपर से आप अनुमान लगाते हो कि डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना है, यानी डायस्टोलिक प्रेशर आल्सो इंडिकेट द प्रेशर ऑन द ब्लड वेसल वॉल ड्यूरिंग डायस्टोल। जब हार्ट रिलैक्स कंडीशन में है तो उसके ऊपर कितना प्रेशर है ब्लड वेसल वॉल के ऊपर, इसका अनुमान रेडियल पल्स के माध्यम से ही होता है। तो हाई टेंशन हाई प्रेशर, लो टेंशन लो प्रेशर रिक्वायर्ड टू कोलैप्स द पल्स। इस तरह से यह पांच प्रकार की एग्जामिनेशन जो है वो हम रेडियल पल्स में करते हैं। नंबर एक रेट, नॉर्मल पल्स रेट है, टैकीकार्डिया है, ब्रैडीकार्डिया है, ये देखना है। नंबर दो रिदम, रेगुलर है इरेगुलर है। नंबर तीन वॉल्यूम, हाई एम्पलीट्यूड है लो एम्पलीट्यूड है। नंबर चार फोर्स, कम है ज्यादा है। और नंबर पांच टेंशन, हाई टेंशन लो टेंशन। ये कम से कम पांच चीजें हम रेडियल आर्टरी में आपको देखनी है, उसके बाद आप पल्स एग्जामिनेशन आप तो अच्छी कर सकते हो। रेडियल पल्स की वजह से आप कंडीशन ऑफ वेसल वॉल कैसे है, ब्लड वेसल की वॉल कैसी है, इसका अनुमान, इसकी स्टडी आप कर सकते हो। उसके लिए प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फिंगर एंड मिडिल फिंगर, ये तीनों भी आपको यूज करनी होती हैं। इसमें दो प्रॉक्सिमल और डिस्टल फिंगर से पल्स को आपको प्रेस करना है, और ये जो है उसको आप थोड़ा रोल भी कर सकते हैं। इसके ऊपर से भी आप कंडीशन ऑफ वेसल वॉल देख सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि वेसल वॉल की कंडीशन में इलास्टिसिटी, यहाँ पर इलास्टिसिटी है आर्टरी में, वो कम या ज़्यादा होती है। कभी कभी ये इलास्टिसिटी कम हो जाती है तो आप उसको यहाँ फील कर सकते हो और कंडीशन ऑफ वेसल वॉल देख सकते हो। तो ये भी एक महत्वपूर्ण परीक्षा आप रेडियल पल्स के माध्यम से कर सकते हो। तो रेट, रिदम, वॉल्यूम, फोर्स, टेंशन एंड कंडीशन ऑफ द वेसल वॉल। आपको फिर ये चेक करना है कि इक्वालिटी ऑफ द पल्स, राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों इसमें इक्वालिटी है या कुछ फर्क है। कभी कभी राइट हैंड की पल्स अलग दिखती है, लेफ्ट हैंड की कुछ अलग दिखती है। जनरली ये चीजें ओल्ड एज में देखी गई हैं। कुछ कुछ कार्डियक डिसीज जैसी कहा जाता है कि को आर्कटेशन ऑफ द एवर्टा, को आर्कटेशन ऑफ द एवर्टा। इस कंडीशन में राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रेडियल पल्स थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो ये बड़े सारे हार्ट डिसीजेस के डिसीजन या हार्ट डिसीजन के डाउट्स आपके मन में आ सकते हैं अगर आप सिंपली रेडियल पल्स को सीरियसली एग्जामिन करें। तो रेडियल पल्स वेरी इजी टू एग्जामिन, बट यू मे कंक्लूड फॉर द सीरियस हार्ट डिसीज आल्सो, इसलिए आपको ये सीरियसली करनी है। इस अभ्यास को आपको बार बार करना है, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं कि वो सिखाई तो जा सकती है लेकिन आपका स्किल आप ही को डेवलप करना है। इसका अभ्यास कैसे करें, ये बार बार पढ़ने से आपको नहीं आएगा। आप एक व्यक्ति की पल देखिए, दूसरे की देखिए, तीसरे की देखिए, चौथे की देखिए। जब आप 20 लोगों की पल देखेंगे और याद करेंगे कि वो पल्स कैसी थी, वो पल्स कैसी थी, आपका अभ्यास शुरू हो गया है। जब आप 50 लोगों की पल देखेंगे और उसको एक दूसरे को कंपेयर करेंगे, और ज़्यादा आपका अभ्यास हो गया है। आप 100 लोगों की पल देखेंगे तो और आपकी स्किल डेवलप हो गई है। 200 की करेंगे और डेवलप हो गई है। 300 की करेंगे और डेवलप हो गई है।
तो ये स्किल डेवलपमेंट ये आपको ही करना है, हर व्यक्ति को ही करना पड़ता है। ये स्किल किसी को कोई ऐसा दे नहीं सकता, इसके लिए हार्डवर्क करने की जरूरत होती है। और आप जो भी कर रहे हैं उसके लिए आपको सीरियसली देखना चाहिए हर चीज़ को, तो ही आपका ये स्किल डेवलप हो जाएगा। उसके बाद हमने याद रखना चाहिए कि रियल पल्स तो आप देखना है, लेकिन आप कभी किसी सिचुएशन में कैरोटिड पल्स वो भी आप देख सकते हो। ये कैरोटिड पल्स जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द सर्वाइकल वर्टिब्रा के बीच में दिखाई देती है। एक ब्रैकियल पल्स होती है, वो एंटी क्यूबिटल फोसा में मेडियली आपको दिखाई देती है। यहाँ पर एक डॉर्सलिस पेडिस मसल पल्स है, वो आपको फर्स्ट एंड सेकंड टॉर्सल बोन के बीच में आपको महसूस होगी। तो ये भी पल्स आप देख सकते हो, ब्रैकियल पल्स, कैरोटिड पल्स, डॉर्सल पेडिस पल्स। अभी ये एग्जामिनेशन अगर आपने की तो आपको कुछ अनुभव आ सकते हैं, जैसा टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया मतलब इंक्रीज पल्स रेट, योर कंक्लूजन इज हार्ट रेट इज इंक्रीज। ब्रैडीकार्डिया मीन्स डिक्रीज पल्स रेट, योर कंक्लूजन इज हार्ट रेट डिक्रीजेस देन नॉर्मल। एक है साइनस एरिथमिया, ये भी कंडीशन आप महसूस करते कर सकते हो। उसके लिए आपको बार बार रेडियल पल्स को सीरियसली देखना है, फील करना है उसे। फील तो अपने आप, मुझे क्या फील हो रहा है मैं ही फील कर सकता हूँ, आपको क्या फील हो रहा है आप ही फील कर सकते हो। तो जब आप फील करेंगे तो कभी कभी आपको लगेगा यहाँ साइनस एरिथमिया है। साइनस एरिथमिया में क्या होता है, क्विक पल्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, उसका रेस्पिरेशन से भी संबंध है, याद रखिए। जब आप रेडियल पल्स देखेंगे तो उसका इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, इनहेलेशन एक्सेलेशन, इंस्पिरेशन एक्सेलेशन, इसके साथ भी आप जोड़ना है। एक तरफ रेडियल पल्स को आप देखिए और दूसरी आपकी आंखें रेस्पिरेशन की तरफ होनी चाहिए। तो साइनस एरिथमिया में ऐसा होता है, क्विक पल्स ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, यानी श्वास लिया तो क्विक पल्स आ जाएगी, और स्लोइंग वो धीरे धीरे हो जाएगी जब एक्सपिरेशन करेगा पेशेंट। तो क्विक और फास्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन, स्लो ड्यूरिंग एक्सेलेशन, इसको कहते हैं साइनस एरिथमिया। ये भी हो सकता है। एक होती है वाटर हैमर पल्स, शार्प राइज एंड अ फॉल ऑफ द पल्स, बहुत छोटा सा ऐसे पल्स होती है कि धीरे धीरे वो जा रही है। वाटर हैमर जैसा पानी बहता है ट्यूब में से, उस तरह से जा रही है, वाटर हैमर पल्स उसको कहते हैं। एक होता है पल्सस पैराडॉक्सस। ये पल्सस पैराडॉक्सस का मतलब है कि हाई वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग एक्सपिरेशन ऑफ द ब्रीदिंग। जब आप एक्सेलेशन करते हो, एक्सपिरेशन करते हो, तो उस वक्त पल्स की वॉल्यूम बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं पल्सस पैराडॉक्सस। उसकी वजह से भी आप अलग अलग निष्कर्ष निकाल सकते हो। एक होती है वीक पल्स, पल्स इज बेसिकली वीक, वो इंडिकेट करती है कि ब्लड वॉल्यूम काफी कम हो गया है। ये जो है पल्स, ये आपको लूज मोशन के बाद जब पेशेंट को वीकनेस आती है उस समय भी आपको आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में आपको ये भी याद रखना है फिजियोलॉजिकल वेरिएशन, फिजियोलॉजिकली ये पल्स थोड़ी सी कम ज़्यादा या कुछ चेंजेस आपको नज़र आते हैं, बट दे डू नॉट इंडिकेट डिसीज। दिस चेंजेस ऑफ द पल्स आर लिमिटेड अप टू द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अगर कोई पेशेंट बैठा है तो पेशेंट स्लो हो जाएगी, अगर लेटा है सो गया है तो वो और स्लो हो जाएगी।
सो पल्स इज स्लो इन सिटिंग पोजिशन, इन ड्यूरिंग स्लीप इट विल बी मोर स्लो, और धीरे धीरे हो जाएगी। एक्सरसाइज आप करेंगे, कोई समझो दौड़ते चला आ गया तो उसकी पल्स रेट बढ़ी हुई होगी, उसकी वजह से कोई हार्ट डिसीज का डायग्नोसिस नहीं करना चाहिए। ये तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है, दौड़ के आ गया तो पल्स बढ़ गई। स्ट्रॉन्ग इमोशन, बहुत बार देखा गया है कि बहुत सारे लोगों को एग्जामिनेशन का डर लगता है, टेंशन होती है पढ़ाई होगी क्या नहीं, अब उनको याद आ गया कि उनकी पल्स रेट बढ़ जाती है, टैकिकार्डिया हो जाता है, बट इट इज इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल लिमिट। ये भी हमें याद रख के रेडियल पल्स को एग्जामिन करना है। अब ये पल्स रेट जो होती है उसको भी हमें याद रखना चाहिए। न्यू बॉर्न, जब बच्चे का जन्म होता है तो पहले 28 डेज तक उनको न्यू बॉर्न कहा जाता है, उसकी पल्स रेट नॉर्मली होती है 130 पर मिनट। 5 साल तक बच्चों की पल्स रेट होती है 90 पर मिनट। 5 से 10 साल तक वो 80 पर मिनट तक आपको नजर आएगी, और 10 से 15 साल तक या उसके बाद में पल्स रेट रहती है 70 to 75 बीट्स पर मिनट। यह एक्यूरेट रीडिंग है, लेकिन वो थोड़ा फ्लेक्सिबल, या थोड़ा सा आप इसको ये कर सकते हो कि 60 to 90 इज नॉर्मल। ये रेडियल पल्स जो है वो सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है, आप करेंगे, आप उसको फील करेंगे, आप उसका कंक्लूजन निकाल सकते हो। रेडियल पल्स एग्जामिनेशन को आप ऑब्जेक्टिवली भी इवेल्युएट कर सकते हो, यानी जो रेडियल पल्स की कंक्लूजन्स है वो सब लोग देख सकते हैं। सब्जेक्टिव यानी वो इंडिविजुअल सिर्फ फील कर सकता है। तो ऑब्जेक्टिविटी लाने के लिए एक टेस्ट या रिकॉर्डिंग है, उसको बोलते हैं स्पिग्मोग्राफ। तो इस स्पिग्मोग्राफ के लिए आपको एक ड्यूडेजियोस स्पिग्मोग्राफ नाम की इंस्ट्रूमेंट आती है, इस इंस्ट्रूमेंट के कारण आप रेडियल पल्स की रिकॉर्डिंग कर सकते हो। वो ग्राफिकल रिकॉर्ड है इसलिए उसको कहते हैं स्पिग्मोग्राफ। उसमें अलग अलग प्रकार के वेव्स होते हैं, वो हमारे यहाँ कॉमनली यूज में नहीं है। तो रेडियल पल्स के बारे में जितना पॉसिबल है मैंने आपको एक्सप्लेन किया, हर चीज़ को आपको अच्छी तरह से याद रखना है, और हर चीज़ को याद रखे अगर आप रेडियल पल्स समझ गए हो तो उसका अभ्यास आपको शुरू करना है। फिर से पढ़ाई करके नहीं, बार बार पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं, आप रेडियल पल्स देखते रहिए। एक सब्जेक्ट हो गया, 5 हो गए 10 हो गए 20 हो गए 50 हो गए, आप कहीं भी जाएंगे समझो, आपके फैमिली मेंबर्स आपको कोऑपरेट करेंगे, आपके फ्रेंड्स आपको कोऑपरेट करेंगे, आपके नेबर्स आपको कोऑपरेट करेंगे, जहां से आपको कोऑपरेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा जितना रेडियल पल्स की एग्जामिनेशन आप करोगे उतना आपका स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। रेडियल पल्स की दो खासियत है, वेरी इजी टू एग्जामिन, जांच करने के लिए बहुत आसान है, और दूसरा आप कंक्लूड कर सकते हो अगर कोई सीरियस हार्ट डिसीज उस पेशेंट में है या नहीं। कंक्लूजन इज इम्पोर्टेंट एंड एग्जामिनेशन इज वेरी इजी, ये दो खासियत इस रेडियल पल्स एग्जामिनेशन की है। फ्रेंड्स, मुझे ऐसे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपके समझ में आई होगी, मेरी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की और कोई एग्जामिनेशन देखते हैं, तो इस तरह से इसको एक सीरियसली रिवाइज करके काम स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।